हेलो गाइस, ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है। आज हम इसे बनाने वाले हैं समर के लिए फ्रॉक सूट डिजाइन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस सूट की कटिंग। कटिंग करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें, प्लीज गाइज प्लीज। आज हम बनाने वाले हैं एस साइज की कुर्ती। इस कुर्ती की फुल लेंथ रहने वाली है 33। पहले हम अपने कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसमें से काटेंगे घेरा। 33 इंच की हमारी कुर्ती बनने वाली है फुल लेंथ। हमारी लेंथ रहेगी 23 की और इसमें हम 1 इंच ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। 23 हमारी है लेंथ। ये 23 का हमारे घेरे की लेंथ हो गई है। इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे मार्जिन के लिए। कटिंग कर लेंगे यहां से। ये हमारा घेरा कट हो गया है। अब हम इसको फोल्ड करके अलग रख लेंगे साइड से। अब इसमें से हम अपनी कोटी कट करेंगे। ये टू फोल्ड कपड़ा है हमारा। अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। अब हमें अपनी कोटी की जो लेंथ रखनी है वो है हमारी 13 इंच। उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे। 13 इंच लेंथ है हमारी, 1 इंच एक्स्ट्रा कर लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे अपने शोल्डर्स का निशान। शोल्डर का निशान है हमारा 12 इंच। 12 इंच का हाफ कर लेंगे हम 6। अब यहाँ निशान लगा देंगे। आर्म होल का निशान लगाना है हमें, हमारा 6 इंच है शोल्डर का निशान। तो हम आर्म होल का निशान जो लगाएंगे वो लगाएंगे 6.5 इंच। हमारी चेस्ट का जो साइज है वो है 28 इंच। अब 28 में हम हाफ कर लेंगे तो हमारा 7 इंच आ जाएगा। लेकिन 7 हम 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे उसमें। अब हम इन दोनों निशानों को आपस में जोड़ देंगे। 2 इंच हम एक्स्ट्रा कर लेंगे मार्जिन के लिए। आर्म होल के लिए जो हम गोलाई लगाते हैं ये लगाते हैं हम 1.5 इंच पर। तो यहाँ हम 1.5 इंच का मार्क कर लेंगे। ये रखा हमारा 1.5 इंच का। ये जो हमारा 1.5 इंच का मार्क रहेगा ये रहेगा बैक पार्ट के लिए, और जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा उसके लिए हम 1/2 इंच कम कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 1 इंच पर। अब हम इन दोनों मार्क अपनी फिटिंग के निशान से यहाँ से ऐसे गोलाई देते हुए लगा लेंगे। इधर से हम इसको भी मिला लेंगे। अब दिखेगा ठीक से। ये रहा, ये हमारा बैक पार्ट का है और ये हमारा फ्रंट पार्ट का है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये कट गई है हमारी कोटी। अब हम इसमें प्लेट का निशान लगाएंगे। प्लेट का निशान हम लगाते हैं यहाँ से 3 इंच पर। 3 इंच पर निशान लगा के और हमारी प्लेट की जो लेंथ रहती है वो रहती है 3.5 इंच की। तो हम इसको यहाँ ऐसे सीधा कर लेंगे। हम अपनी प्लेट का चारों पर सेम लगाने के लिए एक निशान लगा देंगे, यहाँ से कट दे देंगे छोटा सा। तो फ्रंट पार्ट है और ये हम बैक पार्ट साइड निकाल के रख देंगे, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में अभी 1/2 इंच की गोलाई एक्स्ट्रा और देनी है अपने आर्म होल पर। इसकी गोलाई ऐसे दे देंगे 1/2 इंच की। फिटिंग पर यहाँ पे एक छोटा सा कट दे देंगे जिससे हमें पता रहे। ये ऐसे गाइस, तो ये हमारा सूट कट हो गया है। ये हमारी कोटी है, ये हमारा घेरा है। अब हम इसको, ये हमारी फुल लेंथ
जो हम सिल के बैठेगी हमारी वो 33 इंच की बैठेगी। ये हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है, अब इसमें से हम बाजू कटिंग कर लेंगे। बाजू हम बिल्कुल सिंपल कटिंग करेंगे, सादा बाजू, हम इसमें कोई डिजाइन नहीं बना रहे हैं। हमारे बाजू की जो लेंथ है वो रहेगी 17 इंचेस। इसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। हम ऐसे एक निशान लगा लेंगे सीधा, और हमारी जो लेंथ है वो है 17 इंच। तो हमारा जो आर्म होल का निशान होता है, यहाँ से हम इसको 2.5 इंच माइनस कर देंगे 17 इंच में। अब हम इस निशान को इस निशान से ऐसे ऐसे गोलाई देते हुए ऐसे मिला देंगे। ये हमारी स्लीव्स की 9 है, 9, तो उसका 1/2 हम 4 रख लेंगे, 4.5 इंच। यहाँ हमारा आ जाएगा 5.5 इंच। अब हम इसको ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे मार्जिन के लिए। हम इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से ऐसे, ये ऐसे। अब ये हमारी बाजू है। हम बाजू के दोनों फ्रंट पार्ट में, दोनों बाजू के फ्रंट पार्ट में 1 इंच की गोलाई दे देंगे। उससे हमारी बहुत अच्छी फिटिंग आती है आर्म होल पर, नहीं तो झोल आ जाता है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, दो पार्ट को ऐसे उठा के ऐसे कटिंग कर देंगे। अब ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम गले की पट्टी काट लेंगे। हम इसमें बोट नेक बनाएंगे। अब ये हमारा घेरा है, ये हमारी कोटी है, ये हमारी स्लीव्स हैं, और ये हमारी गले की पट्टी है। हम बोट नेक बनाएंगे बुकरम से, तो ये हमने उसके लिए कपड़ा कट कर लिया है। और अगर आप इस सूट की स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे रोकी ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं जरूर आपके लिए वो वीडियो डालूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करें। प्लीज़ गाइज़, प्लीज़।